आज मैं आपको सुसमाचार रचयिता संत मार्क के बारे में बताऊंगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 25 अप्रैल को संपूर्ण कलिस्तिया संत मार्कुस का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि संत मार्कुस के पिता का नाम अरिस्तोपोलुस एवं उनकी माता का नाम मरियम तथा उनके अंकल का नाम बर्नाबस तथा उनके दोस्त का नाम संत पोलुस था। संत मार्कुस का सुसमाचार सबसे संक्षिप्त एवं सबसे प्राचीन सुसमाचार है और संत मार्कुस यरूशलेम के निवासी थे। यरूशलेम का मसीह समुदाय उनकी माता के घर में एकत्रित होता था ताकि वे एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सके। इसकी जानकारी हमें प्रेरित अध्याय 12 पद संख्या 12 में मिलती है। संत मार्कुस को संभवतः दीक्षा संत पैतरुस के द्वारा मिली थी। इसका पता हमें संत पैतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में हम पाते हैं कि संत पैतरुस संत मार्कुस को अपना पुत्र कहकर पुकारते हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार संत मार्कुस को संत पैतरुस के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी और उसी के द्वारा उनकी रचना का मुख्य आधार संत पैतरुस की धर्म शिक्षा थी। संत मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य था कि वे प्रभु ईसा मसीह को सर्वशक्तिमान पिता का पुत्र के रूप में प्रस्तुत करें तथा वे उनकी शिक्षाओं पर कम ध्यान एकत्रित करते हैं परंतु उनके चमत्कारों को वह अधिक बढ़ावा देते हैं। उनकी रचना का रूपरेखा इस प्रकार है। प्रारंभ में गलीलिया की जनता उनका स्वागत करती है परंतु शीघ्र ही वह उत्साहहीन हो जाती है। वह ईसा का आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समझ पाती है। इसके कारण ईसा गलीलिया के बाहर घूम घूम कर प्रचार करते हैं तथा अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और अंत में वह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। उनका विरोध किया जाता है और यहूदी नेताओं के द्वारा उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है और वह तीसरे दिन जी उठते हैं। संत पौलुस बर्नाबस संत मार्कुस को लेकर एंटियोक चले गए और उन्होंने अपनी पहली मिशनरी यात्रा प्रारंभ की और वहाँ पर वे जाकर प्रभु के वचनों को बांटने लगे, लोगों को प्रभु के बारे में बताने लगे। उनकी दूसरी मिशनरी यात्रा में संत पौलुस संत मार्कुस को नहीं ले जाते हैं जिसकी वजह से संत बर्नाबस उनसे अलग हो जाते हैं। शीघ्र ही संत मार्कुस संत पौलुस के घनिष्ठ मित्र बन गए। सन 60 ईसा पूर्व में संत मार्कुस एशिया माइनर में थे और उन्होंने वहाँ के गिरजाघरों में जाकर प्रभु के वचनों का प्रचार किया। कहा जाता है कि संत मार्कुस अलेक्जेंड्रिया में रहते थे और वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करके घसीटते हुए उनकी हत्या कर दी। उन्होंने अपना सुसमाचार सन 60 से 70 ईसा पूर्व के बीच में लिखा था। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत मार्कुस के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के वचनों को हर दिन पढ़ें और उसके वचनों पर अपने जीवन को आधारित करें, अपने सभी कार्यों को प्रभु के वचनों पर आधारित करें ताकि हम प्रेम पूर्वक जीवन इस दुनिया में व्यतीत कर सकें।